Assalamualaikum viewers, I am Saiman Avi Siddiqui and you are watching my cooking channel Cook with Saiman Avi Siddiqui. आज हम बनाएंगे सागू, कलरफुल सागू डिज़र्ट. ये अब तक YouTube की हिस्ट्री में कहीं भी रेसिपी मौजूद नहीं है, तो मैंने इसके लिए लिया है 1.5 लीटर, 1.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा दूध, फ्रेश दूध. इसको बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है. इसके अलावा मैंने 1 कप शुगर ली है, 1 पैक ऑफ क्रीम लिया है, 1 हम जेली बनाएंगे, 4 to 5 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 1/4 कप 3 जगह अलग अलग सागू दाना टॉपिका सीड्स लिए हैं. उनको अच्छी तरह से धो के मैंने पानी में भिगो के रख दिया है. कॉकटेल लिया है, पाइनएप्पल स्लाइसेस लिए हैं. अब सबसे पहले स्टेप में मैंने ये जो टॉपिका सीड्स सागू दाना लिया था, इसमें मैं फूड कलर ऐड करूँगी. 4 to 5 ड्रॉप्स मैं इसमें ज़रदा फूड कलर, जो हम लोग बिरयानी वगैरह में यूज़ करते हैं, वो डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे. 4 to 5 ड्रॉप्स मैं इसमें रेड फूड कलर, 4 to 5 ड्रॉप्स इसमें मैंने रेड फूड कलर के ऐड किए हैं. ये भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे. मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम अपने साबूदानों को फूलने के लिए टॉपिका सीड्स को रेस्ट पर छोड़ देंगे. जब तक मैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आ जाती हूँ. अभी हमारे दूध में बॉयल्ड आना स्टार्ट हो गया है. जैसे ही मेरे दूध में बॉयल्ड आएगा, मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डालना स्टार्ट कर दूँगी. जी व्यूअर्स, हमारे दूध में बॉयल्ड आ गया है. अब मैं इसमें 1 कप ऑफ शुगर ऐड कर दूँगी, चीनी, और इसको हमने अच्छी तरह से शुगर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है. चीनी ऐड करके मैंने चमचा चला दिया है. 1/4 कप मैं इसमें कुमेल कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रही हूँ. 6 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, इसमें मैं पानी डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी. व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट मैं इसे बॉयल आने के बाद पकाऊंगी. मैं अपने मीठे को, मैंने अपने पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है, ज़्यादा पकाती हूँ. ज़्यादा पकाने से मीठे का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है. जब तक ये दूध हमारा पक रहा है, मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाती हूँ. दूध हमारा पकना शुरू हो गया है. अभी मैंने नेक्स्ट स्टेप में पैन को चूल्हे पर रख दिया है. अब इसमें 1 बाय 1 में सारे टॉपिका सीड्स को पकाऊँगी. पहले हम इसमें ऑरेंज वाला साबूदाना 1 कप इसमें मैंने पानी ऐड किया है. बस इसके मसला ही होता है, डिज़र्ट तो बहुत मज़ेदार बनता है मगर साबूदाने को अलग अलग पकाने में थोड़ा टाइम लगता है. तो मैं फुल आंच पे बॉयल जाने तक पका, साबूदाने की अच्छी तरह से गल जाने तक हम इसको पकाएंगे. जी भी बड़े, इसको पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए. अभी पकने की तरफ हल्के हल्के आ गया है. बस इसके फूलने तक का वेट करके फिर मैं बाकी दोनों भी इसी तरीके से ही तैयार कर लूँगी. दूध को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट से ज़्यादा ही हो चुके हैं. अब मैं इसमें जो मैंने कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दूँगी. का मिक्सचर इसमें डाल देंगे, उसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और फिर मैं इसे 15 से 20 मिनट बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी. अभी हमारे सागू पर्ल जो है तैयार हो गए हैं. अब मैं इसे स्ट्रेन आउट कर लूँगी, इसको हम छान लेंगे. तो मैंने अच्छी तरह से इसका सारा निकाल दिया था पानी. अब मैं इसे बिल्कुल टैप वाटर से इसको धो लूँगी और एक साइड पर रख दूँगी. हमने अपने रेड वाले सागू पल्स को भी पकने के लिए रख दिया है. इसको भी मैं वही 15 से 20 मिनट पकाऊँगी और फिर इसको भी अच्छी तरह से पानी से धोकर एक प्याले में निकाल लूँगी. ऑरेंज वालों को मैंने अच्छी तरह से आपके सामने ही अभी करके पानी से धो धा के तैयार करके एक साइड पर रख दिया है. दूध भी हमारा माशाल्लाह से काफ़ी हद तक पक चुका है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है. अब इस स्टेज पर मैं इसे 5 से 10 मिनट मज़ीद पकाऊंगी और फिर हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे. मज़ीद 10 मिनट गुजर चुके हैं. अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसे मुकम्मल हम रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दें. ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप इसे पंखे में रख के भी ठंडा कर सकते हैं. व्यूअर्स, मैंने इसको तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है ठंडा होते हुए. माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे रूम टेम्परेचर पे आ चुका है. ऑरेंज में सागू टॉपिका डिज़र्ट्स मैंने आपके सामने तैयार किए थे. ग्रीन और रेड भी मैंने तैयार कर लिए थे. 3 स्लाइसेस मैंने पाइनएप्पल के लिए थे, उनको रफली से कट कर लिया है और एक कॉकटेल लिया था, उसका पानी भी रिमूव कर दिया है. एक क्रीम ली है हमने सबसे पहले स्टेप में. अब सबसे पहले स्टेप में मैं जो ये मैंने दूध का बैटर तैयार किया था, इसमें हम अपनी क्रीम को ऐड करेंगे. क्रीम को डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करते जाना है. ऐसे ही हूँ मैं. अब इसमें हम 1 बाय 1 टॉपिका सीड्स ऐड करते जाएंगे और इसको हमने मिक्स करते जाना है.
अब इसमें हम ग्रीन वाला डाल देंगे, रेड वाला। ये माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनता है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है साबूदाने को पकाने, मगर ये कि इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसे कोई ख़ास आपकी फैमिली डिनर हो या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसेस की जो दावतें वगैरह होती हैं उस पे आगे देखिए। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये यूट्यूब की तारीख में फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, आज तक इसकी रेसिपी अपलोड नहीं हुई हुई है। इसको डालने के बाद बस आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है। देखिए माशाल्लाह कलरफुल कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं इसमें कॉकटेल और पाइनएप्पल ऐड कर दूंगी। अब इसमें हम कॉकटेल और पाइनएप्पल डाल देंगे, थोड़े से अब हम रोक लेंगे इसकी ऊपर से डेकोरेटिंग के लिए। बहुत ही मज़ेदार बहुत ही ऑथेंटिक डिज़र्ट हमारा रेडी है। अब मैं इसे सर्विंग बाउल निकाल लूँगी और इसकी हम ऊपर से थोड़ी सी डेकोरेटिंग करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरा कलरफुल सागू डिज़र्ट बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इसको फिर मैं 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और फिर इसको रात में सर्व करूँगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, डिलीशियस, यमी डिज़र्ट ये बनके तैयार होता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइमन अवीसी देखिए।